एवरीवन, मैं हूँ राखी और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। और आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? तो आइसोटॉप्स, आइसोबॉल्स, आइसो न्यूट्रॉन और आइसो इलेक्ट्रॉन, ये सारा कुछ आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन, उसको एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एटॉमिक वेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर एटॉमिक मास और एटॉमिक मास हो गया, फिर उसका नंबर, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या। एंड देखें तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कहाँ पे सिचुएटेड होता है, किसी एटम में। तो ये सारा कुछ आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें आइसोटाइप्स, आइसोबार्स, और क्या करना है हम लोग को, आइसो न्यूट्रॉन पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग आइसोटॉप्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आइसोटॉप्स किसे बोलेंगे। तो पहले हम लोग डिफाइन कर लें द एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज आइसोटॉप। देखिए यहाँ पे क्या बोले, द एलिमेंट, एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन, ये सब कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। जैसे हम लोग पहले इसके पहले हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। एंड एलिमेंट को, किसी एलिमेंट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे तो देखेंगे। सपोज एक्स, एक क्या है, एक कोई एलिमेंट है, क्या एक्स कोई एक एलिमेंट है, तो इसका जो ये पार्ट होता है वो क्या कहलाएगा, इसका लेग कहेंगे। और ये क्या कहलाएगा, हेड कहेगा। हेड जब भी होता है ऊपर की ओर होता है, ये लेग और ये हेड। लेग में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, तो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है, जेड। क्या होता है, सिंबल जेड। और ये क्या है, ये तो ये है एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक नंबर। फिर देखें तो हेड पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ए से सिंबल है उसका, रिप्रेजेंट क्या करते हैं, तो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या देखें, एक्स कोई एलिमेंट है जिसका लेग में क्या शो करता है, तो एटॉमिक नंबर को शो करता है। और एटॉमिक नंबर से को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबल क्या है एटॉमिक नंबर का, तो जेड। एंड एटॉमिक मास, ये क्या है, एटॉमिक मास को सिंबल क्या होता है, ए होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि ए क्या है, एटॉमिक मास, एंड जेड क्या, एटॉमिक नंबर। तब सोचते हैं क्या कि एटॉमिक नंबर क्या है, ए। ठीक है, और एक बात और ये याद रखेंगे कि किसी भी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, इन एनी एलिमेंट में देखें, इन एनी एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होता है किसका, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई को इसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोटॉन को पी से, और एटॉमिक नंबर को क्या, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या देखें, किसी भी एलिमेंट में बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर का इक्वल होता है। ये कब होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा इक्वल, जब जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एलिमेंट न्यूट्रल होना चाहिए, एलिमेंट न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल होने के मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं हो। जैसे हम लोग देखें कोई एलिमेंट हम लोग लिए सोडियम, सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, और ऊपर में 23 क्या होता है, इसका एटॉमिक वेट होता है, या फिर बोल सकते हैं एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पे एटॉमिक
नंबर, और ये क्या हो गया एटॉमिक मास या बोलेंगे एटॉमिक वेट। अब बोले क्या कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का और एटॉमिक नंबर क्या एटॉमिक नंबर का इक्वल होता है। यहाँ पे क्या शो करता है बताएं कि एटॉमिक नंबर को शो करता है, क्या शो करता है एटॉमिक नंबर को शो करता है। तो एटॉमिक नंबर ये जेड हो गया, जेड जेड है, और इसका इसमें देखिए तो एटॉमिक नंबर जेड कितना होगा 11। हम लोग को जब एटॉमिक नंबर पता हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सॉरी एटॉमिक नंबर 11 है, देन पूछे जाएगा कि एक एलिमेंट सोडियम में एटॉमिक नंबर 11 है, देन उसमें पूछेगा कि प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें और किसकी संख्या ज्ञात करें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या भी 11 ही होगा, देन क्या हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या भी 11 ही होगी, एंड देखें तो और क्या इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन्स की भी संख्या क्या होगी 11 ही होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है न्यूट्रल, न्यूट्रल अलग इस पे कोई चार्ज नहीं है। चार्ज मतलब क्या देखते होंगे कोई किसी सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, कैल्शियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और फिर देखें तो आप क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सब क्या है ऊपर में जो प्लस माइनस का साइन होता है केटायन और एनायन का सिंबल होता है उसको चार्ज बोलते हैं, बट इस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है मतलब सोडियम कैसे लिखे हैं इस पर जीरो चार्ज है मतलब न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो जब किसी एलेंड ये कंडीशन कब क्या सेटिस्फाइड होगा, जब ये कंडीशन मतलब कौन सा कंडीशन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फिर क्या एटॉमिक नंबर तीनों क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। कब ये किसी एलिमेंट के लिए कब सेटिस्फाइड होगा जब क्या हो जब उस एलिमेंट पे कोई भी चार्ज नहीं हो मीन वो चार्ज लेस हो। तो उस कंडीशन में तो यहाँ पे देखिए सोडियम पे कोई चार्ज नहीं था, इसका एटॉमिक नंबर हमको पता है कितना है 11 है, देन इससे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया 11 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए 11। तो आई होप इतना कुछ समझ में आया होगा। तो अब देखिए अब चार्ज का पार्टिकल है, कोई चार्ज पार्टिकल लेंगे हम लोग, कोई चार्ज पार्टिकल हम लोग लेंगे, क्या लेंगे तो जैसे मैं यहाँ पे हम लोग लिए सोडियम पे, अभी बताएं कि सोडियम पे प्लस चार्ज होता है और इसका एटॉमिक नंबर हमको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। अब इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्ञात कीजिए एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर मतलब जेड, तो यहाँ पे क्या हो गया इस कंडीशन में देखिए तो जेड क्या हो गया यहाँ पे 11 हो गया। फिर क्या निकालना है प्रोटॉन संख्या निकालना और फिर क्या निकालना है इलेक्ट्रॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालना है। ठीक है यहाँ पे 11 है प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर 11 है। फिर देखिए प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या इक्वल होगी बट यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है मतलब क्या है जब कोई एलिमेंट क्या करता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उससे प्लस चार्ज आता है। मीन ये जितना प्लस चार्ज आएगा उसका मीनिंग वो होता है कि इतना इलेक्ट्रॉन वो डोनेट किया, डोनेट मतलब किसी को गिव अप करना देना। ठीक है फिर अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल लिए थे क्लोरीन का, क्लोरीन क्या था इस पे नेगेटिव चार्ज था, इसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों है इसका मीनिंग ये है कि ये किसी भी अदर एलिमेंट से क्या किया है इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन किया मतलब प्राप्त किया, मतलब ये क्या है इस पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसका मतलब ये है जितना इसके पास इलेक्ट्रॉन था पहले कितना इलेक्ट्रॉन था जब इस पर कोई चार्ज नहीं था तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब क्या कर दिया एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे 11 था और 1 डोनेट कर दिया तो बचा क्या 10 बचा। समझ में आया मीन अगर ये कंडीशन सब कब सेटिस्फाइड होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर और इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स नंबर, जब वो एलिमेंट क्या रहेगा चार्जलेस रहेगा मीन उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। बट अगर उस पर कोई चार्ज आ जाता है और अगर पॉजिटिव चार्ज आता है इसका मीनिंग ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है डोनेट किया है, डोनेट किया मतलब यहाँ पे देखिए सोडियम का, सोडियम पे का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होनी चाहिए थी 11। बट क्या है इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गया 10 में से एक सॉरी 11 में से एक दे दिया तो बचा क्या 10। सेकेंड में देखें तो यहाँ पे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 17 होता है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17 है और फिर क्या प्रोटॉन की संख्या भी क्या होती है 17, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 होना चाहिए था लेकिन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा यहाँ पे आ गया है चार्ज। और यहाँ पे बताएं कि नेगेटिव चार्ज क्या शो करता है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किया है, गेन किया मतलब
पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन किसी और से लिया, एक इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन, मीन यहाँ पे 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 18। तो इतना कुछ समझ में आया होगा। अब देखते हैं एटॉमिक नंबर और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन, ये सारा कुछ के बीच रिलेशन समझ में आया। तो हम लोग अब देखेंगे एटॉमिक वेट की ओर मूव करेंगे। एटॉमिक वेट क्या होता है, तो इतना कुछ आप नोट किए होंगे, अगर छूट गया तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब मूव करें हम लोग क्या, एटॉमिक वेट की तरफ। क्या बोले कि एक एक एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स कोई एलिमेंट लिए थे, उसका जो लेग होता है वो एटॉमिक नंबर शो करता है और जो हेड होता है वो क्या, एटॉमिक वेट को शो करता है। ठीक है, तो एटॉमिक वेट में देखें कि एटॉमिक वेट किसी एलिमेंट को बोल देगा कि इसका एटॉमिक वेट निकाले, तो कैसे ये करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैं बोल सकते हैं प्रोटॉन को हम लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन को पी से हम लोग सिंबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और न्यूट्रॉन को एन से। मीन ए इक्वल क्या हो गया, पी प्लस एन। क्या हो गया, एटॉमिक मास इक्वल क्या हो गया, पी प्लस एन। सपोज आपको एक एलिमेंट दिया है, क्या दिया है, कोई एलिमेंट एक्स है, कोई एलिमेंट एक्स है और जिसमें एटॉमिक नंबर क्या दे दिया, 11, और फिर क्या दे दिया उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एन का वैल्यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या दे दिया आपको, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 है। लेकिन आपको ए का वैल्यू फाइंड करने बोलेगा, क्या ए का वैल्यू फाइंड करने बोलेगा, तो नंबर ए का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, प्रोटॉन की संख्या, अगर एटॉमिक नंबर पता है तो हम लोग प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं, बिकॉज एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन की संख्या का। तो यहाँ पे 11 है, मीन प्रोटॉन की संख्या 11 और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है क्या है, 12 है और इसका सम करने पे 23 आ जाएगा। मीन इस जो एलिमेंट एक्स है, एलिमेंट एक्स का जो एटॉमिक वेट है वो क्या है, 23। अब देखते हैं कि किस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक वेट 23 है, तो वो एलिमेंट कौन है, ये एक्स के जगह पे क्या होगा, सोडियम। वो एलिमेंट क्या है, सोडियम। तो ये सारा रिलेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, आइसोटोप्स पढ़ रहे। तो आइसोटोप्स के विषय में इसको समझने से पहले ये सब कुछ जानना जरूरी था, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको यहाँ पे डिस्कस कर दी। अब हम लोग चलेंगे आइसोटोप्स की तरफ। तो हम लोग क्या लिखे हैं, द एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, सेम होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होने का मतलब बोल सकते हैं उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो फिर बोल सकते हैं सेम नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रोटॉन। क्या लिख सकते हैं, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, प्रोटॉन। क्या बोलेंगे, द एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोप। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एक हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक वेट 1, और फिर एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक वेट 2, और एक ले एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक वेट 3। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालें, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। यहाँ पे देखें तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1। ऊपर में क्या शो करता है, एटॉमिक वेट को शो करता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो एटॉमिक वेट माइनस नंबर ऑफ है क्या निकाल, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला निकाले थे, ए का ए जो होता है एटॉमिक वेट होता है वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का सम का इक्वल होता है। अब हम लोग कोई अगर न्यूट्रॉन निकालना चाहें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहें, तो क्या करेंगे, ए में से मीन एटॉमिक मास में से अगर पी को घटा दें, देन हम लोग को क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना, हम लोग को एटॉमिक मास पता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है, तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। इसके लिए देखें तो यहाँ भी प्रोटॉन की संख्या 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो प्रोटॉन की संख्या 1 है और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 3 - 1 2 हो जाएगा। तो हम लोग को देखिए सब में प्रोटॉन की संख्या क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, बट जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो क्या है, डिफरेंट है। अदर एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, सेकेंड में लेंगे। ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया किसका, आइसोटॉप्स का। फिर देखें
तो हम लोग कार्बन लेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, और एटॉमिक वेट क्या होता है? 12। इसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स। अच्छा, इसको एक नेम जान लेते हैं। जो हाइड्रोजन का फर्स्ट जो आइसोटोप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नेम क्या होता है? प्रोटियम। क्या नेम होता है? प्रोटियम। आप लोग भी अगर स्पेस हो बगल में तो यहीं पे लिख लेंगे, नहीं तो ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर इसको क्या नेम होता है? ड्यूटर्मियम, ड्यूट्रियम। और इसका बात करें तो इसको क्या होता है? ट्राइटियम। इसका क्या होता है? ट्राइटियम। अब इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? D2O ट्राइटियम को, और ड्यूटर्मियम को D2O। इसको कैसे? तो D2O, और इसका क्या जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में? H2O। क्या? तो हम लोग प्रोटियम, इसका नेम क्या हो गया? प्रोटियम, ड्यूटर्मियम, ट्राइटियम। इसको अगर केमिकल नेम में लिखे तो H2O, इसको D2O, और इसको क्या? D2O। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हो गए। अब हम लोग किसका देखने जो आज जा रहे थे? तो कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6, और एटॉमिक वेट क्या होता है? 12। एक सेकेंड जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक वेट क्या होता है? 13। और थर्ड का देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक वेट क्या होता है? 14। ये सारा क्या हो गया? कार्बन का आइसोटोप। इसमें निकालना चाहिए अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो गया? 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बताएं अभी? कि एटॉमिक वेट में से अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कर दें? रिमूव कर दें, हटा दें, तो क्या बचता है? न्यूट्रॉन की संख्या, मतलब 12 माइनस 6 की क्या हुआ? 6। फिर यहाँ पे देखें प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन के निकालना चाहें तो 13 माइनस 6 क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 7। और यहाँ पे देखें प्रोटॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन हो जाएगा 14 माइनस 6, 8। अब यहाँ पे देखें तो प्रोटॉन की संख्या 6, 6, 6, तीनों में प्रोटॉन की संख्या सेम है, कॉमन है, बट न्यूट्रॉन क्या है? डिफरेंट है। इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 8 है। तो यहाँ से ये भी क्या है? कार्बन का आइसोटोप है। इतना कुछ समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? आइसोटोप के बाद आइसोबार। तो इतना आप स्क्रीन शॉट लें, थोड़ा साइड हो जाती हूँ मैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? तो आइसोबार देखेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? आइसोबार। तो पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लें। तो लिखेंगे द एलिमेंट, द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट नंबर ऑफ, या तो फिर बोल सकते हैं डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल में हम लोग देखें, देखें एक आर्गन होता है और ये क्या है? पोटेशियम, और ये क्या होता है? कैल्शियम। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20, बट इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो देखिए क्या बोले, द एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या ऊपर में हेड पे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो क्या है? आर्गन का 40, पोटेशियम 40, और यहाँ पे कैल्शियम का भी एटॉमिक मास क्या है? 40। बट जो डिफरेंट नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर का बात करें तो इसका क्या है? 18, इसका 19 और इसका
20 है, मीन जो आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम जो है वो क्या है, आइसोबार्स है। मतलब आइसोबार्स में क्या बोलेंगे, द एलिमेंट जिसका क्या हो एटॉमिक मास सेम हो बट जो उसका एटॉमिक नंबर है वो क्या हो डिफरेंट हो, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार्स। तो ये समझ में आया। अब देखेंगे हम लोग क्या आइसोबार के बाद आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो इलेक्ट्रॉन तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स। जैसे हम लोग देखेंगे क्या, तो क्या देखेंगे, तो नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन इसका 8 और फ्लोरीन यहाँ पे क्या हो गया 9 एटॉमिक नंबर। इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर माइनस में 1 चार्ज, ये सारा रखते हैं। देखिए द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, तो नंबर आप यहाँ पे एक ये लिए क्या, पहले हम लोग ये शो कर दें फ्लोरीन 9 है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग, अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसका एटॉमिक नंबर पता है क्या है 7 है, और इसका ऑक्सीजन का क्या है 8 है, और नाइट्रोजन का क्या है 9 है, ठीक है। अब देखें कि इसमें एटॉमिक नंबर पता है, तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 9, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या बोला है कि आइसो इलेक्ट्रॉन होगा जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। देखिए हाईएस्ट कहाँ पे गया है, 9 पे गया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट कहाँ पे गया है, मीन इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन। और हम लोग अभी देखें क्लोरीन एक एग्जांपल लिए थे और सोडियम लिए थे, क्लोरीन पे नेगेटिव सिंबल था एनायन था और इस पे कैटायन का सिंबल था। जब पॉजिटिव का साइन ये होता है चार्ज होता है तो उसका मीनिंग ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, डोनेट किया है मतलब इसके पास से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव हुआ है, और नेगेटिव चार्ज है मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑफ एन एनए एलिमेंट का जो भी प्रोटॉन नंबर होता है वही क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अगर इस पर हम लोग क्या कर रहे थे, नेगेटिव चार्ज होता है मीन नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं एनायन, और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं कैटायन। तो यहाँ पे फ्लोरीन पे क्या है, फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है, ऑक्सीजन पे अगर माइनस चार्ज दे दिया जाए इस पर क्या दे दिया जाए 2 में माइनस चार्ज दे दिया जाए। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो यहाँ पे तो न्यूट्रल है, फ्लोरीन क्या है न्यूट्रल है, मीन इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 9, और इसमें ऑक्सीजन में बात करें तो एक तो प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है इसका मीनिंग ये क्या है कि ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है गेन किया है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया मतलब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 9, और ये क्या है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 9, मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7, और 2 इलेक्ट्रॉन और गेन किया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, तो 7 और 2 9 हो गया। तो ये क्या है, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स आर आइसो इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें सेम हो गया, मीन जो नाइट्रोजन पे 2 माइनस आयन, ऑक्सीजन पे माइनस आयन, और फ्लोरिन जो है ये सारे आइसो न्यूट्रॉन है। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, एक हम लोग को बचा है आइसो इलेक्ट्रॉन के बाद क्या बचा है आइसो आइसो न्यूट्रॉन बचा है। तो इसमें क्या लिखना है, क्या लिखेंगे, द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट, यहाँ पे बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देखिए क्या बोल रहा है कि वो एलिमेंट जिसमें क्या हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सेम,
पर जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, और एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझें तो एक लिए ऑक्सीजन, एक लिए हम लोग नाइट्रोजन, और एक लिए कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, ऑक्सीजन का क्या होता है 8, और नाइट्रोजन का क्या होता है 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास की बात करें तो ये क्या होता है 16, नाइट्रोजन का 15, और कार्बन का कितना होता है 14। अब देखें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें, अगर इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालें तो क्या होता है फॉर्मूला, एटॉमिक मास में से हम लोग एटॉमिक नंबर को क्या कर दें, निकाल दें, मीन रिमूव कर दें या सब्ट्रैक्ट करें, तो क्या 16 में से 8 गया तो 8, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। यहाँ पे भी एटॉमिक मास 15 में से एटॉमिक नंबर 7 तो 8, और यहाँ पे भी 14 में से 6 गया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया 8। तो यहाँ पे क्या देखें कि देखिए सारा में सारा का देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। ऑक्सीजन का 8 है, नाइट्रोजन का 7 है, और कार्बन का 6 है, और इसका एटॉमिक मास भी क्या है, डिफरेंट है। बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए वो क्या है, इक्वल है। मीन जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो न्यूट्रॉन है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, इक्वल है। तो सारा कुछ समझ में आया होगा आज के क्लासेस से, आइसोटॉप, आइसो बार, आइसो इलेक्ट्रॉन और आइसो न्यूट्रॉन। आइसो बार में क्या, पहले एक बार रिव्यू कर लें, तो आइसोटॉप में क्या है, इक्वल नंबर एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, बट एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। फिर देखिए आइसो बार में क्या होता है, आइसो बार में क्या होता है, एटॉमिक मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। आइसो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन जो एलिमेंट्स होता है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स का में जो होते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और आइसो न्यूट्रॉन में बात करें तो द एलिमेंट्स हैविंग क्या होता है, एलिमेंट्स के पास नंबर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये सारा कुछ आई होप कि आज की क्लासेस से सारा क्लियर हो गया होगा आपका डॉट, सारे जो डॉट्स होते हैं वो क्लियर हो गया होगा। तो फिर अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।